उसके बाद काजू, अब इसको हम अच्छी तरह से कट करके बॉईल करेंगे, दिखाते हैं कुछ इस तरह इसका कटिंग करेंगे हम। देख रहे हो गर्म पानी है, करेंगे काजू। अब इसमें हम देंगे देगी मिर्च 1 टेबल स्पून, ताकि कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं इसको, देख सकते हो। अब इसको हम बॉईल करेंगे 15 मिनट के लिए। कॉलीफ्लावर, कैरेट, अब इसको हम कटिंग करेंगे तो हम बीन्स काट लेते हैं। इसके बाद हम बीन्स काट लेंगे, देख सकते हैं इसका ऐसे इस साइज का। इस तरह से हम जूलियन टमाटो काट लेते हैं। अब हम जिंजर काटेंगे जूलियन कटिंग में, कुछ इस तरह से हमने काट लिया। कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीन्स, टमाटो, कैप्सिकम और जिंजर, ये हमें जरूरत पड़ेगी वेज खुरचन बनाने के लिए। अब हम इसको बॉईल करते हैं, हम आपको दिखाते हैं बॉईल करके। ये देखो अभी इस तरह हमारा हो गया, हमने ये ग्रेवी को ग्राइंड कर लिया, मक्खनी ग्रेवी। देखो मीडियम फ्लेम में, अभी हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, ग्रीन चिल्ली। वाओ, जिंजर, इसको मीडियम फ्लेम रखेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें टमाटो, हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी, इसको डाल दिया है, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। पक चुकी है, अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, दिखाते हैं हम आपको। सॉल्ट ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे। ऊपर देखो तो कितना अच्छा क्रीमी स्टाइल है, देखो आप कितना प्यारा कलर है, लुक वेजिटेबल। अच्छे से मिक्स करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको इस रेसिपी को, आपको मज़ा आने वाला। देखो ये काफ़ी थिकनेस देता है हमारे ग्रेवी को। अब इसको हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं, अट्ठे के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ, हम हर फूड के साथ खा सकते हैं इसको, काफ़ी टेस्टी है। देख सकते हैं ऊपर गार्निशिंग में चीज़ दिया है, कोरिएंडर दिया है।